हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। इन क्वेश्चन 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है क्यू की सेंटर से 25 सेंटीमीटर, तो हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पर ये फिगर ड्रा की है, ये सर्कल है विद सेंटर ओ, ये पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस ओ पी, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रेडियस ओ पी। तो वी आर गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ओ पी, ओ पी की लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम हमने 10.1 की थी, उसके अनुसार ओ पी क्यू जो एंगल होगा हमारे पास वो हो जाएगा 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 को रिवाइज कर लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर। ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन से दैट पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है 25, स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू 24 स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 स्क्वेयर माइनस 24 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 625 माइनस 576, और ये हमारे पास आ जाएगा 49। देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 49, दैट इज इक्वल टू 7। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू। फिगर में गिवन है हमें कि टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर गिवन है ओ, एंगल पी ओ क्यू गिवन है हमें 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, हमें एंगल पी टी क्यू
जो है उसको फाइंड आउट करना है। ये जो हमारे पास एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमें एंगल फाइंड आउट करना है पी टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा। नाउ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। इसी प्रकार सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। नाउ टी पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 360। पी टी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, बाकी के हम वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे। पी ओ क्यू 110 डिग्री प्लस ओ पी टी 90 डिग्री प्लस ओ क्यू टी 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360। यहाँ से हमारे पास एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 290 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। यहाँ पर दो टेंजेंट हैं पी ए और पी बी, एक पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। हमें एंगल पी ओ ए फाइंड आउट करना है। फिगर के अंदर देखिए एंगल जो हमें दिया हुआ है ए पी बी 80 डिग्री, दो टेंजेंट हैं ये पी ए और पी बी, दोनों इंक्लाइंड है एट एन एंगल 80 डिग्री, तो ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला जो एंगल है ये हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लेके चलते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री, तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। सिमिलरली एंगल ओ पी बी ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। नाउ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ए पी पी ओ, या ये कह सकते हैं हम पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ एंगल्स विल बी 360। देयरफॉर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंग ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। ये एंगल, ये एंगल, ये और इस पूरे एंगल का सम ए ओ बी 360 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम, एंगल हमारे पास ओ ए पी, ओ ए पी गिवन है 90 डिग्री थ्योरम 10.1 के द्वारा।
एंगल ए पी बी है हमारे पास 80 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ओ पी बी ओ बी पी हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। यहाँ से हमारे पास एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल टू 100। तो एंगल ए ओ बी हमने फाइंड आउट कर लिया जो इक्वल है 100 के। हमें निकालना है एंगल, फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, ये एंगल। तो अब हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। जो पी ए है वो इक्वल है पी बी के, बोथ क्या हमारे पास टेंजेंट। जो थ्योरम हमारे पास थी 10.2, ओ पी इज इक्वल टू पी ओ या ओ पी कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो जाएगी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। थर्ड हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। या हम ये भी ले सकते हैं कि ओ ए साइड इज इक्वल टू ओ बी साइड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल्स पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ बी बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू पी ओ बी इस एंगल के, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल पी ओ ए और पी ओ बी, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, पी ओ बी बाय सी पी सी टी। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, हमारे पास एंगल जो ए ओ बी था वो था 100 डिग्री के बराबर, ये एंगल, ये पूरा एंगल ए ओ बी 100 डिग्री के इक्वल था हमारे पास। अब ये जो एंगल है ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, दोनों पार्ट्स आपस में क्या हैं इक्वल हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 50 डिग्री, और ये हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल है उसके डायमीटर के एंड्स के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी पैरेलल होंगी। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ एंड विद डायमीटर ए बी, हमें ए और बी डायमीटर के एंड्स के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं पी क्यू और आर एस। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट पी क्यू और आर एस पैरेलल होंगी। ये जो एंगल होगा हमारे पास और एक ये एंगल, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। सिमिलरली एंगल एस बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। इन दोनों से हमारे पास वी कैन से दैट एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल एस बी ओ, कि दोनों एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बट एंगल पी ए ओ एंड एंगल एस बी ओ आर अल्टरनेट एंगल,
देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस, हमारे पास जो एंगल इक्वल हमने जो प्रूव कर दी, ये एंगल दोनों आपस में कौन से अल्टरनेट एंगल हैं, और अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब लाइनें क्या हों पैरेलल। देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, और ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा एक सर्कल के अंदर, वो कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से। तो इस क्वेश्चन में हम ये सपोज करेंगे कि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वो सर्कल के सेंटर से पास होने की बजाय उसके नज़दीक से या किसी दूसरे पॉइंट से ओ डैस से पास होता है, ऐसा इसके अंदर सपोज करेंगे हम। हम सपोज किया हमने कि लेट अस सपोज दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट ओ डैस, कि वो ओ की बजाय ओ डैस से पास होता है। नाउ अब हमें गिवन क्या था कि हमने एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ था, तो वो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ था हमने, ये जो हमारे पास है ओ पी, ओ पी भी हमारे पास क्या है कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर ए बी के ऊपर, जो ओ पी हमारे पास वो गिवन है कि एक परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, तो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास जो एंगल होगा ओ डैस पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने सपोज किया है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर ये हमने सपोज किया कि परपेंडिकुलर है ये, तो देयरफॉर एंगल ओ डैस पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैस पी बी। वन और टू इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल ओ पी बी और ओ डैस पी बी इक्वल हो गए, बोथ एंगल आर इक्वल। अभी दोनों एंगल इक्वल है इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं, दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब पॉइंट ओ एंड ओ डैस, जब पॉइंट ओ एंड ओ डैस कंसाइड करें, पॉइंट ओ एंड ओ डैस दोनों आपस में कंसिडेंट पॉइंट हों, तभी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों एंगल कब इक्वल होंगे, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट ओ एंड ओ डैस बोथ आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। यानी दोनों पॉइंट दो ना होकर के सिर्फ क्या हो, एक ही पॉइंट हो, दोनों एक ही जगह पर हों, कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर।